2 रुपए की नारी दी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आने की रोटी, आठ आने की रोटी, 2 रुपए की नहारी। नहारी जो खानी है ना, वो गरम गरम रोटी के साथ जो खाने का मजा है ना, उसका लेवल ही कुछ और है। ओए ओए यार, ये है रेशे वाली बूटी बेसिकली, क्योंकि रेशे वाली बूटी का जो मजा है ना खाने का, हाय 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 हाय। दस पंद्रह हजार रोटियां नहीं करो यार। खासियत ये कि हाजी साहब खुद बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, दिस इज असम। तो भाई मैं आज मौजूद हूँ बादराबाद पर, और यहाँ पर भाई ट्राई करने आ गया हूँ मुगलिया दौर के खाने, जो कि भाई नारमू खाए जाते थे। तो भाई आज जो है ना, इनको कराची वाले जो है वो दिन रात सब टाइम पर जो है ना वो खा रहे होते हैं। तो भाई उसका नाम है बेसिकली है नहारी। तो भाई नहारी को आज मैं ट्राई करने आ गया हूँ जावेद नहारी पर, जो कि बादराबाद पर मौजूद है। तो भाई इनको ट्राई करते हैं और आपको इनका टेस्ट बताते हैं कि भाई इनका टेस्ट क्या है, क्योंकि जावेद नहारी जो है वो 1978 से जो है वो कराची के अंदर ये खिदमत अंजाम दे रहा है, और 56 साल हो गए इनको। तो भाई आज सुनते हैं हाजी साहब की कहानी भी, कि हाजी साहब ने किस तरीके से जो है वो जावेद नहारी की बुनियाद रखी, और जावेद नहारी को कैसे इस्टेब्लिश किया है, और जावेद नहारी पर और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर बिरयानी, हलीम, पाए, और ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ। अच्छा जी, अब हम इंटर हो रहे हैं, जरा दिखाते हैं यार जावेद नहारी पे जो है ना क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर पार्सल बन रहा है, कहाँ पर प्लेटें बन रही हैं, और नहारी के अलावा जो है ना और क्या क्या चीजें हैं। तो फिर यार आ जाए जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या सिस्टम है बताइए जरा। नहारी पार्सल हो रही है यहाँ पर, सारा पार्सल का इंतजाम है। कौन कौन सी नहारियाँ होती हैं आप लोगों के पास? नली नहारी है, सादा नहारी है, मगज नहारी है, स्पेशल नहारी। अरे माशाल्लाह, तो इनकी फ्राई नहारी भी है, तो देसी घी का तड़का भी लगता है उसके अंदर। देसी घी का तड़का भी लगता है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जबरदस्त। और चीजें भी जरा आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। यहाँ पर क्या है सर, ये बताइए जरा। यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, जबरदस्त। यहाँ पर सारा डाइनिंग का इंतजाम, यहाँ पर सारी चीजें हुई हुई है, जबरदस्त। हाँ यार, और चीजें जरा दिखाते हैं। हाँ 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 हाँ, मकसद यार बंदे को अगर खाने के बाद अगर मीठा खाना है तो भाई उसका इंतजाम भी है। भाई क्या क्या चीजें हैं तुम्हारे पास, ये बताओ जरा। ये जरा चेक करें यार रबड़ी को। ओए होए 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 यार, ये चेक करें, लच्छे वाली फुल रबड़ी है भाई, माशाल्लाह। अच्छा ये क्या चीज है, ये क्या है? अच्छा रबड़ी के पैकेट्स बनाए हुए ये। बाकी डाइनिंग भी अगर बंदा लेना चाहे तो इसी में मिलती है डाइनिंग भी इसी। ये कितने की, ये कितने का है? ये आधा पाव का पैकेट है, 180 का। 180 का। और ये जो है खीर कितने की है? 100 रुपए का पेयर है ये, जबरदस्त। और वो वाली खीर कौन सी है, वो वाली भी दिखाओ जरा। क्वांटिटी में ज्यादा है, ये कम है। अच्छा ये इसके अंदर भी आप, ये अच्छा ये कितने का है? ये 180 का, वो 100 रुपीज का, और ये 140 का, 180 का ये भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तो भाई आपको और चीजें भी जरा चेक कराते हैं कि सिर्फ नहारी नहीं है यहाँ पर, क्या क्या है भाई ये बताओ जरा। हाय हाय, बिरयानी खत्म हो गई है। हाय 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 हाय, हलीम होता है, हलीम भी खत्म हो गया। हलीम भी भाई सिर्फ एंड पर है।
और यहाँ पर क्या है भाई, ये पुलाव मिल रहा है, पुलाव भी भाई एंड पर है बिल्कुल। बिरयानी की प्लेट कितने की है? 300 रुपए की बिरयानी की प्लेट है। चिकन बिरयानी है, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी है। तो अभी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एंड पर चल रही है, हम लोग लेट पहुंचे इसके लिए माजरत। और हलीम की क्या हिसाब है? हलीम 200 रुपए का, और पुलाव पुलाव भी 300, जबरदस्त। और टोटल चिकन है, बीफ भी मिलता है, हलीम बीफ है, बिरयानी पुलाव चिकन। हाँ 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 भाई, बिरयानी और पुलाव ये सब कुछ आपको मिलेगा जावेद नहारी पर भाई। तो भाई ये बन रही है डबल स्पेशल नहारी, जरा इसके अंदर क्या क्या आता है बॉस ये बताइए जरा। नली आती है, मगज आता है, फ्राई होती है, ओहो स्पेशल नहारी है। और जो तड़का लगता है वो किस चीज का होता है? तड़का देसी घी का। ओए होए 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 होए। तो भाई ये बन रही है, इसके अंदर पहले आपने क्या डाला है? मगज, बोटी डाली है, फिर मगज डाला। अच्छा बोटी कौन सी होती है? बूम की बोटी होती है। ये सिर्फ कस्टमर पे डिपेंड करता है, कस्टमर जो खाते हैं, कोई बोंग खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जैसे जा रही है एक साफ बोटी की, एक बोंग होती है। बोंग भी बढ़िया। मजा किसके अंदर है ये बताया? मेरे ख्याल से जो अब तक मैंने खाई है नारी बोम की बोटी का जो मजा है ना, वो मेरे ख्याल से यार आउटस्टैंडिंग है। यही बात है। हाय हाय हाय, नली आ गई है भाई, वाह भाई वाह। हाय 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 यार, जरा इसकी लज्जत चेक करें। अब क्या होगा भाई? ये आ रही है ऊपर से प्याज, होए 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 होए। और ये आ रहा है भाई इस पे तड़का, होए 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 होए। वाह भाई वाह यार, इसकी अगर आप रंगत चेक करें ना जरा, तो यार कोई नेक्स्ट लेवल रंगत आ रही है इसकी। अस्सलामुअलैकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं हाजी साहब। मुझे जरा सी कहानी बताइए कि नहारी की कहानी क्या है? बेसिकली मैंने जो आज तक सुना है कि नहारी को नहर मुंह खाया जाता था मुगलिया दौर के अंदर। वो जो मुगलिया दौर में जो खाया जाता था ना, वो खाया जाता था पुराना टाइम में। अच्छा, और अब जो खाया जा रहा है, अब मजबूरी को खाने जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से जो मजा है वो नहर मुंह खाने का है। लाहौर में तो मेरे ख्याल से अभी भी यही रिवाज चल रहा है, सुबह शाम। अच्छा, लाहौर के अंदर भी वही चल रहा है। तो जावेद नहारी जो है वो कहाँ से आई? दिल्ली से आई? हम दिल्ली से आए, तो आप जाहिर सी बात है दिल्ली से आए। बिल्कुल ऐसा ही, नहारी फिर लेबेरिया से आई। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो जावेद नहारी जो है वो कब स्टार्ट किया? 50 साल पहले, मतलब 1978 मैंने जो सुना है अभी तक कि वो है। तो मसाले जो है वो सारे वहीं के हैं, सब कुछ अपना हिसाब किताब बनाया माशाल्लाह। और वो नहारी का जब हिसाब किताब मजबूत सही हो गया, वो जावेद नहारी हो गए। नहीं, नो डाउट। मैंने मकसद, मैं बचपन से ही कहूँगा शायद, क्योंकि मेरी पैदाइश से पहले से जो ना ये नहारी स्टार्ट हुई है। तो मैं आपकी जो फेल्डर बी एरिया वाली ब्रांच थी वहाँ पर मकसद मैंने इतना सा था, मैं तब से नहारी वो खाता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है अब बड़ी चेंजेस आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो ब्रांच मेरे ख्याल से आज से कोई, मैं अगर 5-6 साल पहले की बात करूँ तो 9:30 बजे खत्म हो जाती थी बिरयानी, एंड हो जाता था वो, जबरदस्त। अच्छा, ये नहारी जो है वो कितने रुपए से स्टार्ट हुई थी? ये तो आपको याद होगा, 2 रुपए की नहारी थी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आठ आने की रोटी, 2 रुपए की नहारी। ओए होए होए, तो लज्जत जो है आज भी वही है हाजी साहब? अभी अगर ना हो लज्जत तो फिर आप क्यों आए बाजी? हाय हाय हाय, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि अब बहुत सारे जो ना नहारी वाले खुल गए हैं, जाहिद है तो पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन जो जावेद नहारी का जो टेस्ट है ना, वो अल्लाह की तरफ से है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला की जात है करने वाली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, तो सर हम भी ट्राई करते हैं आज आपकी नहारी दोबारा, और ज़रूर, क्योंकि ऐसा जो टेस्ट है ना दिल्ली का। अच्छा, ये दिल्ली से स्टार्ट हुई थी या लखनऊ? मैंने सुना है लखनऊ से भी स्टार्ट हुई है। दिल्ली से हुई थी, और बस ये है कि क्या दोगे भाई, दिल्ली वाले हैं, क्योंकि हम खुद दिल्ली वाले। हाँ हाँ, लेकिन दिल्ली वालों के जो हाथ में जायका होता है ना, बस ये कुदरत का है। हाँ 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 हाँ, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब वक्त देने का, जजाए खैर दे आपको। तो भाई यहाँ पर जो है वो तंदूर का सारा सेटअप है, यहाँ पर बन रहे हैं भाई सारे पेड़े। ओए होए होए होए, ये चेक करें। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है, अभी तो बस हेट है। ठीक
कितनी रोटियां बन जाती है दिन के अंदर? दिन के अंदर तकरीबन 10-15 हज़ार रोटियां बन जाती है। 10-15 हज़ार रोटियां? नहीं करो यार, अकेले बनाते हो? अकेले तो नहीं है, कारीगर बैठे बनाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर और आगे दिखाते हैं जरा आपको कि यहाँ पर जो है ना गरम गरम रोटियां जो है ना वो कैसे निकल रही है, क्योंकि नहारी जो खानी है ना वो गरम गरम रोटी के साथ जो खाने का मजा है ना उसका लेवल ही कुछ और है। तो भाई यहाँ पर माशाल्लाह से देखें रोटियां निकल रही हैं और लोग जो है वो डाइनिंग के लिए भी ले रहे हैं, टेक अवे के लिए भी ले रहे हैं, और रोटियों की क्वालिटी भी जरा चेक कराते हैं यार आपको। ये चेक करें माशाल्लाह से यार, फुल गोल्ड रोटियां हैं माशाल्लाह भाई, और इसके नहारी खाने के साथ जो इसका मजा है ना ओ, कोई नेक्स्ट लेवल मजा है भाई। ये बताओ भाई रोटियों के अलावा और क्या क्या चीजें हैं? रोटियों के अलावा हमारे पास शिरमाल होते हैं, ताफ्तान होते हैं, और स्पेशली इतवार वाले दिन पराठे होते हैं, रवे मेदे के पराठे, बेसनी पराठे सुबह नाश्ते में होते हैं। आप आए इतवार वाले दिन चेक करें, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा आपको। हाँ 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 हाँ। तो जो पाए है, पाए का सीन क्या है ये बताओ? इतवार की स्पेशली पाए होते हैं, सुबह के नाश्ते में पाए होते हैं। हाय 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 हाय। हाजी साहब खुद बनाते हैं। हाजी साहब सुना है मैंने, हफ्ते वाले दिन आके खुद बनाते हैं पाए। हफ्ते वाले दिन। हाय 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 हाय। वाह भाई वाह। अरे भाई ये बताएं कि पाए का सिस्टम क्या है यहाँ पर? पाए जो है मेरे भाई ये संडे वाले दिन होता है। अच्छा। खाली नाश्ते में सुबह 6 बजे से लेके 10-11-12 बज के मैक्सिमम खत्म हो जाता है 10-11-12 तक ना। लेकिन ये सुबह पाए खाने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा ताकि 6 बजे बंदा पहुंच सके। बिल्कुल, आते हैं लोग भरा पड़ा हुआ होता है होटल पूरा, बल्कि खुलने से पहले 5-5:30 बजे यहाँ लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि फिर होटल खुलता है फिर पाया स्टार्ट हो जाता है। हाय 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 हाय। ये संडे वाले दिन होता है। मैंने दो तीन साल पहले मेरे ख्याल से याद पड़ता है कि मैंने पाए खाए थे सिर्फ कोई बड़ी मुश्किल से फेल्डर बेरी वाली। और उसकी खासियत ये कि हाजी साहब खुद बनाते हैं। हाँ मैंने ये सुना है कि हफ्ते वाले दिन बेसिकली वो रात में आके पकाते हैं, खुद बनाते हैं। और सुबह में इतनी एज हो कर भी यार वो अपने जो हाथ का जायका है वो। वाह भाई वाह। और क्या क्या चीजें होती है पाए के अलावा? हमारे पास दिन में लंच टाइम में बहुत सारे आइटम होते हैं, दाल होती है, सब्जी होती है, कोरमा है, चने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ये लंच टाइम में होती हैं। बाकी जो पूरे टाइम में हमारे पास हलीम है, बिरयानी है, पुलाव है, ये फुल टाइम होता है। और बाकी ये नहारी में कौन कौन सी है? नहारी सादी नहारी होती है, नली नहारी है, मगज नहारी है, स्पेशल नहारी है, उसमें नली मगज होता है, असली घी का उस पर फ्राई होता है, वो स्पेशल होती है। हाय हाय हाय। असली घी का जो तड़का जब फैलता है ना, बिल्कुल। वाह भाई वाह। तो अच्छा इधर की क्या टाइमिंग है यहाँ की? अच्छा यहाँ की संडे वाले दिन तो 6 बजे से लेके रात 1 बजे तक है, और बाकी आम रूटीन में सुबह 8 बजे से लेके रात को 1 बजे तक। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा हमारी होम डिलीवरी वगैरह भी। अच्छा, होम डिलीवरी भी है। टिन पैक का क्या सीन है? टिन पैक बिल्कुल, ये तो हमारे जो बेचारे परदेसी भाई हैं उनके लिए होते हैं ये टिन पैक। टिन पैक की यहाँ से तमाम चीजें सब कुछ ये है बेसिकली जी, हमारा टिन पैक है। ये भाई है इनका टिन पैक है, जरा देखें। और ये कितने टाइम में, कितना टाइम गया इस तरीके से रहता है? 6-7 महीने बस आराम से चल जाएगा, लेकिन एक दफा अगर खुल गया तो वो फिर जाया है। फिर जाया है, मतलब पूरा यूज कर ले उसको तो बस ठीक है, खत्म हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि हाफ यूज नहीं कर सकते आप, फुल यूज करना है, पूरा निकाले और खत्म कर ले खा ले। जबरदस्त। और इंशाल्लाह जब ये निकालेंगे तो आधा कौन खाएगा, पूरा ही खत्म हो जाता है माशाल्लाह। भाई हम भी जो है वो इनकी जरा नहारी मीठा ये चीजें ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यार 1978 वाला जो दिल्ली वाला जो जायका है वो अभी तक मौजूद है या नहीं। तो भाई ये आ गई है हमारी जबरदस्त सी स्पेशल तड़के देसी घी वाली नहारी। भाई जरा ये देखिए जरा, ओए इसकी यार रंगत चेक करें। देसी घी पड़ने के बाद जो है ना इसकी जो रंगत है ना वो बहुत ही ज्यादा खिल गई है यार। और दूसरा मैं आपको जरा इनकी यार बोटी भी जरा दिखाता हूँ कितनी टेंडर है ये। ओए यार ये है रेशे वाली बोटी बेसिकली, क्योंकि रेशे वाली बोटी का जो मजा है ना खाने का, हाय 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 हाय। ओए और ये है नली भाई, और ये है मगज। ओ हो ये देखें यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यार, तो अभी से होना मुंह में पानी आ रहा है। हाय 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 यार, ये जो मगज़ है ना, हाय हाय हाय, ये मगज़ है और ये आ गई है नली। तो थोड़ी सी लेते हैं नली। हाय हाय हाय। तो भाई ये है एक ऑप्टिमम बाइट जो कि बेहतरीन और नस्ली यार लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म,
यार जवाब ही नहीं, बहुत ही ज्यादा लजीज। और यार देसी घी का जो इसके अंदर फ्लेवर आया ना मुंह में, हाँ 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 हाँ, लिटरली आप लोगों को भी देख के जो ना इस टाइम पे मुंह में पानी आ रहा होगा। तो यार होपफुली आज की आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। ये जो नहारी रखी हुई है ना सामने, हाय 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 हाय, इसको जो ना छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोगों से बात भी करनी है, आप लोगों को दिखाना भी है जायका। लेकिन यार ये नहारी जो गर्मा गर्म रोटी के साथ जो खाने का मजा आया ना, हाय हाय हाय, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। तो आप लोगों से चाहता हूँ मैं इजाजत, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लास्टली करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।